दोस्तों कैसे हो सब लोग। आप जानते हो कुलम डेली खुद कुछ बेहतर यूनियन पक्की अपडेट लेके आता रहता हूँ। आज जो अपडेट लेके आऊँ NIOT की तरफ से लेके आऊँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई की तरफ से लेके आऊँ, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। BTech से आप पास हो, डिप्लोमा पास हो, तो ITI पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। BSc पास हो तो इसके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, इसमें दो कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया, एक एक्सपीरियंस, एक फ्रेशर के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में फ्रेशर के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों हम शेयर करें ताकि उन लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से निकाला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 221 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, एक एक्सपीरियंस वालों के लिए, फ्रेशर वालों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो मैं यहाँ पर फ्रेशर वालों के बात करने वाला हूँ, जो फ्रेशर है उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। वैसे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप अच्छी तरह नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो डाउनलोड करके। तो चलिए वेरियस पोस्ट की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप बता रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल पे वैसा कोई फेक वीडियो नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो वैकेंसी निकला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकला है दोस्तों, जिसका प्रोजेक्ट 2021 से लेकर 2026 तक चलने वाला है। अगर आगे कुछ हुआ प्रोजेक्ट एक्सटेंड भी कर सकता है 1 ईयर के लिए दोस्तों। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि अब जितना भी जॉब आ रहे हैं वो सब वैकेंसी आ रहे हैं, सब एक्सपीरियंस पे आ रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई करना दोस्तों। चलते हैं वेरियस पोस्ट की तरफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकाले गए दोस्तों। तो मैं उन पोस्ट के बारे में बताऊँगा जो फ्रेशर के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं जा रहा हूँ दोस्तों। वो BTech के लिए है दोस्तों, ठीक है, BTech के लिए। उसमें क्या है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए आप BTech से आप पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, 73 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, जो डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 64 है दोस्तों, 64 यहाँ पर पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कुछ से भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, BTech में डिप्लोमा, BTech में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जैसे है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पोस्ट मैं बताने वाला हूँ फ्रेशर के लिए, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें 28 पोस्ट है दोस्तों, 28 पोस्ट है। आप ITI पास आउट हो, 10+ ITI पास आउट हो कोई भी ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए दोस्तों, जिसमें BTech से आप पास आउट तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखा है दोस्तों, तो आप BTech से मैकेनिकल से आप पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका डिजायरेबल में आपका एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए मैकेनिकल में BTech से तो 15 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अरे यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है दोस्तों, जिसमें BTech से आप 60% से पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सब ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, BTech से आप पास आउट हो 60%, तो इस सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं, डिप्लोमा वालों के बारे में बताते हैं। तो मैक्सिमम एज 50 ईयर है और जी ये पोस्ट नेम है दोस्तों प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें 64 पोस्ट है। अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो 20 हज़ार पर मंथ प्लस HRA आपको मिल जाएंगे, HRA आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैकेनिकल में 14 पोस्ट है दोस्तों, तो आप डिप्लोमा से 3 ईयर डिप्लोमा 60% से पास आउट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो डिप्लोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से आप पास आउट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेन बात इसको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है।
पर इसका जो लास्ट डेट रहने वाला 13 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला 5 बजे तक है दोस्तों। तो इससे पहले आप जाके अप्लाई कर लेना दोस्तों। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, वो आप देख लो। सिलेक्शन के लिए आपको रिटेन एग्जाम हो सकते हैं या स्किल टेस्ट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं या ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको इंटरव्यू ले सकते हैं दोस्तों रिटन टेस्ट के बाद। द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, इसमें जो स्किल टेस्ट होंगे दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो इसके बाद आपके रिटन एग्जाम होंगे या इंटरव्यू आपको होने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों।